जब कुछ समझ ना आए कि आज क्या बनाए, तो बनाइए स्टफ टोमेटो की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी, जो कि हम बिल्कुल घर के बेसिक सामान से बनाइए और ये खाने में बहुत ही बहुत टेस्टी होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी। तो आइए देखते हैं स्टफ टोमेटो बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। स्टफ टोमेटो बनाने के लिए यहाँ मैंने गोल वाले टमाटर लिए हैं और ये देखिए काफ़ी लाल हैं। ये हम इनका ऊपर का कवर इस तरह से हटा देंगे, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं काटना है, छोटा ही काटें इसको, ये देखिए। और अब हम पीलर से इसको इस तरह से स्कूप कर देंगे और इसका सारा जो जूस है वो एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए तैयार है। इसी तरह से मैं सारे टमाटर तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारे टोमेटोज़ जो इस तरह से खाली कर लिए हैं और जो इनके ऊपर वाला हिस्सा था मैंने ये अलग निकाल लिया है और पल्प अलग निकाल लिया है। और आइए स्टफिंग तैयार करते हैं। आज मैं आलू की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। इसके लिए यहाँ मैंने दो बॉईल किए हुए आलू लिए हैं जिनको मैंने रफली मैश कर दिया है। इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्ची, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, और यहाँ पर मेरे पास है कटे हुए काजू और किशमिश। तो टमाटो जो है थोड़ा सा खट्टा होता है, तो इसमें अगर आप किशमिश डालेंगे इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप स्टफिंग कोई सी भी तैयार कर सकते हैं। आप इसमें पनीर की स्टफिंग भी डाल सकते हैं, मिक्स वेज बना के डाल सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं। आज मैंने यहाँ पर आलू जो है सिर्फ उबाल के यूज़ किए हैं। आप चाहें तो जैसे हम समोसों के लिए आलू फ्राई करते हैं उस तरह से भी आलू बना सकते हैं। ये देखिए मिक्सचर तैयार है, हम इसे टोमेटोज़ में स्टफ़ कर लेंगे। इसके लिए हम ये टोमेटोज़ लेंगे और इनमें ये स्टफिंग भर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से हम इस तरह से सारे टोमेटो स्टफ़ कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे टमाटर भर लिए हैं। और टमाटर को सेकने से पहले हम ग्रेवी के लिए एक मसाला पीस के तैयार करेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें हम ये पल्प डाल देंगे जो टमाटर के अंदर से निकला था। इसके साथ ही मैं इसमें दो और टमाटर जो है वो कट करके डाल दूँगी। हम इसमें डालेंगे थोड़े से गार्लिक करीब 7 से 8, अदरक करीब आधा इंच। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़े खड़े मसाले, तो एक बड़ी इलायची का टुकड़ा, दो छोटी इलायची, दो लौंग और 7 से 8 काली मिर्चें। हम इनको पीस के इनकी प्यूरी बना लेंगे। ये देखिए ग्रेवी बनके तैयार है। और आइए अब हम सबसे पहले टोमेटोज़ को कुक करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने पैन को गर्म किया है। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और अब हम ये टमाटर इस पर रख देंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो पे कर देंगे और इनको कवर करके 3 से 4 मिनट इसी तरह से पकने देंगे। टमाटरों को कुक होते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, हम इन्हें पलट देंगे। इनको फिर से कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक हम दूसरी साइड से भी पकने देंगे। टमाटरों को मैंने घुमा घुमा के अच्छे से चारों तरफ से सेक लिया है। आप देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है कि एकदम गल जाएं टमाटोज, बस इतना ही सेकना है उनको। तो हम इनको साइड में रखेंगे और आइए फटाफट इसके लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम डाल देंगे तेल। तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, इसको मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इनको भी मिलाएंगे। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से ग्रेवी का कलर जो है बहुत अच्छा आएगा। इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। प्याज को मैंने बहुत अच्छे से भुना है। अगर प्याज अच्छे से भुना नहीं होगा तो ग्रेवी में वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ध्यान रखें अच्छे से प्याज को हमें भूनना है। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने टमाटो का मिक्सचर तैयार किया था और इसको अब हमें तेल छोड़ने तक भूनना है अच्छे से। तो बीच बीच में चलाते रहें और इसको अच्छे से भून लें। टमाटर का मसाला अब अच्छे से भुन चुका है। हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो करीब 1 कप पानी डाल दूंगी मैं यहाँ पे। इसको भी मिला लेंगे और अब हम ग्रेवी को कवर करके 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। ग्रेवी को मैंने थोड़ी देर कुक कर लिया है और ये देखें अच्छे से ये पक चुकी है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गर्म मसाला। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच क्रीम, तो क्रीम या मलाई कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शुगर, क्योंकि टोमेटोज़ जो हैं वो सार होते हैं या खट्टे होते हैं,
तो टेस्ट को बैलेंस करने के लिए अगर थोड़ा सा इसमें आप शुगर डाल देंगे तो ये ग्रेवी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें। तो इस टाइम पर आप यहाँ पे ग्रेवी में नमक चेक कर लें और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लें। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो कि हमने कुक करके रखे हुए हैं, और अब हम बस इसको 2 मिनट के लिए और कवर करके कुक होने देंगे। तो ये देखिए स्टफ टोमेटोज बनकर बिल्कुल तैयार है, और आइए फटाफट हम इसको सर्व करेंगे। हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिए के साथ, इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, और आप इसको खा सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ या राइस के साथ। ये बहुत ही बहुत टेस्टी होते हैं, तो आप ट्राई ज़रूर करें और हमें फीडबैक में बताएं कि आपको कैसे लगे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।